गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी कर ली थी, तो आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब कोई नई ऑर्गेनिज्म फॉर्म होती है तो उससे पहले वो डिफरेंट फेजेस से पास होती है और उन्हीं फेजेस की हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इनमें सबसे फर्स्ट जो फेज है वो है गैमेटोजेनेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन ये जो गैमेटोजेनेसिस कहाँ से होता है, तो वो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, क्योंकि जिन ऑर्गन से गैमेट प्रोड्यूस होता है उन्हीं को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें हम इसकी, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड गैमेट्स इन द टेस्टिस एंड ओवरीज इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस और ओवरीज को हम देखें तो दोनों ही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक मेल का है तो दूसरा फीमेल का है। यहाँ पर हैप्लोइड, स्टूडेंट्स ये दो वर्ड आते हैं, एक होता है हैप्लोइड और एक होता है डिप्लोइड। डिप्लोइड को हम सिंपल जो थ्योरी होती है उसमें लिखते हैं टू एन, टू एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, और एक होता है हैप्लोइड, हैप्लोइड को हम लिखते हैं एन। तो इसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मान लिया 2N का मतलब हो गया 23 पेयर्ड, ह्यूमन बीइंग की अगर अपन बात करें तो 46 हो गया, या हम बोल सकते हैं 23 पेयर्ड, लेकिन N अगर होगा तो वह कैसा होगा, ओनली 23। तो ध्यान कर लेना स्टूडेंट्स, गैमेट हमेशा हैप्लोइड होता है, चाहे वो डिप्लोइड सेल से बना हो चाहे वो हैप्लोइड सेल से बना हो। अब आगे हम डिस्कस करें इस गैमेटोजेनेसिस को, तो द प्रोसेस इन मेल टेस्टिस, यानी कि मेल के टेस्टिस में जो प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट, स्पर्म को हम बोलेंगे मेल गैमेट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन फीमेल ओवरीज विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस, यानी कि एग का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम कहेंगे ओजेनेसिस। तो हम दोनों को बोल सकते हैं दैट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, यानी कि दोनों ही प्रोसेस क्या हो गए हमारे लिए, गैमेटोजेनेसिस हो गए। यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जब हमने टेस्टिस और ओवरीज के बारे में डिस्कस किया था तब भी बताया था कि इनके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये टेस्टिस की सेल होती है, और ये टेस्टिस की सेल स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि यही सेल स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो देखें यहाँ पर ये डिप्लोइड सेल होती है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 46। तो अब इसके अंदर क्या होगा, पहले माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है, और फाइनली स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 23। ऐसे ही हम अगर ओवरी के बारे में डिस्कस करें तो ओवरी में जो गैमेट प्रोडक्शन करने वाली सेल होती है वो होती है ओगोनिया, और इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है 46। अब इसके अंदर पहले माइटोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, और फाइनली क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है, और ये ओवम इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा 23। तो यानी कि डिप्लोइड सेल्स से एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हैप्लोइड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो इधर वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारे लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इधर वाला प्रोसेस क्या हो गया हमारे लिए, ओजेनेसिस। यहां पर एक चीज और है स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं आपको, इधर देखें तो एग अकेला बन रहा है और इधर स्पर्म देखें तो बहुत सारे बन रहे हैं। तो ध्यान कर लेना, फीमेल का वेजाइना होता है, उस वेजाइना के अंदर लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है, जबकि जो स्पर्म होते हैं वो सीमन में होते हैं और सीमन एल्कलाइन मीडियम में होते हैं। तो उससे जब ये
वेजेना ट्रैक में जाते हैं तो एसिडिक मीडियम के कारण मैक्सिमम स्पर्म डेस्ट्रो हो जाते हैं, तो इसलिए ऑलरेडी नेचर में कुछ ऐसा हुआ तो उसके कारण स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, तो स्पर्म कई मिलियंस होते हैं जबकि एग अकेला होता है। आगे की फेजेस को हम देखें तो वो है फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या हम बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म्स जायगोट। तो जायगोट डिप्लोइड सेल्स होती है, दो हैप्लोइड, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एग है और ये मान लिया स्पर्म है, तो ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है, इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, और जब ये फाइनली आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूजन होने के बाद में दोनों के क्रोमोसोम्स पेयर्ड हो जाते हैं और फाइनली क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, फाइनली क्रोमोसोम हो जाएगा 46। तो यहाँ पर हम देखें इसकी डेफिनेशन, द एग प्रेजेंट इन द फीमेल यूट्रस कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्पर्म। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर यूट्रस में नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब में होता है, ध्यान कर लेना। अभी आगे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे इसको। तो कम इन कॉन्टेक्ट विद स्पर्म लिबर्टेड बाय द मेल ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो उस कंडीशन में मेल अपने स्पर्म को वेजाइनल ट्रैक के अंदर एजुकुलेट कर देता है और यही स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब में मौजूद यूट्रस से फ्यूज कर लेते हैं। दे कॉन्जुगेट विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स जायगोट, या आपस में कॉन्जुगेट का मतलब होता है फ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्पर्म नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया कि फीमेल का जो वेजाइना होता है उसमें एसिडिक मीडियम के कारण मैक्सिमम स्पर्म, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 20-30 करोड़ स्पर्म होते हैं और उनमें से केवल 200-300 स्पर्म ही बच पाते हैं, बाकी सारे एसिडिक मीडियम के कारण डेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इन 200 और 300 में से भी केवल एक सिंगल स्पर्म ही फ्यूजन कर पाता है। यहाँ पर ये एग है, इसके बाहर सेल्स की कुछ लेयर्स होती है जिनको कोरोना रेडिएटा या जोनोपेलिसिडा कहते हैं, तो इनको पार करते हुए एक स्पर्म इस एग के अंदर एंटर हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आगे हम डिस्कस करें, फर्टिलाइजेशन के आगे आता है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द जायगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टुला। ये ध्यान कर लेना स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है और जायगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल मानी जाती है, बाकी सभी सेल्स उसी जायगोट से बनती है। तो वह जायगोट जब माइटोसिस करता है तो माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, लेकिन ध्यान कर लेना यहाँ पर ये जो माइटोसिस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जायगोट विदाउट ग्रोथ किए हुए माइटोसिस करता है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। द ब्लास्टुला गेट्स इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम वॉल से ये इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक आधा पार्ट ले लिया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाफ पार्ट है, यू मान लिया हमने यहाँ से ये हाफ पोर्शन हो गया इसका। तो इधर की एक फेलोपियन ट्यूब है तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ से ये ओवरी है और ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, एग कहाँ पहुँच गया, फेलोपियन ट्यूब में। ये यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, ये वाला जो पार्ट है इसका डायग्राम यहाँ पर बड़ा करके दिखा रखा है, ये वाला है ये यहाँ पर बड़ा करके दिखा रखा है, यहाँ का यहाँ पर बड़ा करके। तो ये डिफरेंट स्टेप है, इनको हम देखते जाएंगे।
तो ओवरी ने एग को रिलीज कर दिया, यहाँ से स्पर्म, इधर से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुँचे और फैलोपियन ट्यूब में दूसरी स्टेप यहाँ पर दे रखी है फर्टिलाइजेशन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, ये एग है और ये स्पर्म इसके अंदर एंटर हो गया, दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जायगोट बन गया। ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगी, जायगोट में। अब ये जायगोट क्या करेगा, यहाँ पर ये माइटोसिस करेगा। देखिए ये फर्स्ट माइटोसिस दे रखा है यहाँ पर, पहले ये सिंगल सेल थी, जायगोट बन गया। अब ये सेल टू सेल में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर टू सेल में कन्वर्ट होगी। अब ये टू सेल्स आगे फर्दर और डिवाइडेशन करती है, तो यहाँ पर देखें तो फोर सेल की स्ट्रक्चर होगी। अब ये फोर सेल्स फिर डिवीजन करती है, इनमें कंटिन्यू डिवीजन होता रहता है। और इस सेल की स्ट्रक्चर देखें तो ये 16 सेल की स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, यानी कि 16 सेल की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला, ये ध्यान कर लेना। और यहाँ पर एक सेल को, अगर हम सिंगल सेल को देखें तो इनको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। अब फाइनली ये सेल्स फिर माइटोसिस से अंडरगोज होती है, तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इंक्रीज होता है और इस स्ट्रक्चर को हम फाइनली कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट ही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन से रिलेशन बनाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है, यूट्रस की तीन मेम्ब्रेन होती है, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। तो ये इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन से एक टिश्यू रिलेशन बना लेता है और उसी टिश्यू रिलेशन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ध्यान कर लेना स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू रिलेशन है जो कि यूट्रस की मेम्ब्रेन और एम्ब्रियो के बीच में या ब्लास्टुला के बीच में प्रेजेंट होता है। यही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि इसका टाइम पीरियड होता है बेबी का या डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 272 to 280 days, 270 से 280 दिन का टाइम पीरियड होता है। और उस पूरे टाइम पीरियड में ये प्लेसेंटा ही उस एम्ब्रियो को या हम बोल सकते हैं उस फेटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और वेस्ट मटेरियल को मदर के ब्लड के अंदर रिमूव कर देता है। तो ये प्लेसेंटा का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक लास्ट फेजेज और बस्ती है हमारे पास में, और वो है अकाउशमेंट और डिलीवरी, यानी कि प्रसव प्रक्रिया। प्रसव प्रक्रिया का मतलब होता है बच्चे का जन्म होना। अब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, 270 से 280 दिन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो उस कंडीशन में जो बेबी है, जो डेवलप्ड बेबी है, वो उस यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउशमेंट डिलीवरी, या हम इसको बोल सकते हैं पार्चुरेशन, प्रसव प्रक्रिया। तो एम्ब्रियो आफ्टर इट्स इम्प्लांटेशन पास थ्रू मैनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिटस इन द यूट्रस, यानी कि बहुत सारे स्टेज को पास करते हुए ये डेवलपमेंट हो जाता है और ये एम्ब्रियो फेटस में या शिशु में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द यूट्रस चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, यानी कि बच्चे का जन्म होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड अकाउचमेंट और डिलीवरी, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है उसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, यहाँ पर मान लिया ये फिटस है, बेबी है, इसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, मैं बता देता हूँ आपको कि ये प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है ये वो प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा इसके अंदर यूट्रस की जो वाल है इस वाल से अटैच होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पर एक नाभिनाल जुड़ती है और उस नाभिनाल से ये प्लेसेंटा अटैच रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर धंसा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करती है और वेस्ट मटेरियल को कैरी करती है। अब यहाँ पर हम देखें तो जब जन्म होता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स, हमने आपको एक हार्मोन बताया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। तो जब इसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन,
वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस की जो मायोमेट्रियन मेम्ब्रेन है या एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियन के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं, ये बहुत मोटी मेम्ब्रेन होती है। तो जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होंगे तो उसके कारण ये जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम से अलग होने लग जाता है और इसका जो न्यूट्रिशन सप्लाई होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और उस कंडीशन में एक ओवरी हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करती है, जो मॉन्स प्यूबिक एरिया है उसको लूज कर देती है, तो जो वेजाइना है वेजाइना थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और बेबी आसानी से बाहर आ जाता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक्स।